This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। देश में लू लगने से 3 राज्यों में 15 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने भी लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को इससे बचने की सलाह दी है। केदारनाथ धाम से ठीक 100 मीटर पहले पहाड़ी पर क्रिस्टल एविएशन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया गया है कि हेली का रूडर खराब होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। बंगाल नंदीग्राम हिंसा मामले में ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। राज्यपाल ने ममता सरकार से कार्रवाई की जानकारी मांगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का ये गुस्सा बता रहा है कि 6ठे और 7वें चरण में भाजपा कितनी बुरी तरह हारने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच कल से शुरू हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। दिल्ली की सभी सीटों पर कल यानी शनिवार को चुनाव है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। अम्बाला में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह भयंकर सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोब चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। स्पेन के लोकप्रिय पर्यटक द्वीप मरलोका में एक रेस्टोरेंट की छत ढह गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे यकीन है कि 4 जून को दिल्ली में बदलाव होगा। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हो पाई है। पुलिस को इस बात का शक है कि बांग्लादेशी सांसद हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी की मौत सस्पेंस बरती जा रही है। घटना के 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रसायन कारखाने में गुरुवार को विस्फोट होने के बाद आग लग गई थी। इस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। पुणे में शिवसेना के एक पूर्व पार्षद ने कार हादसे के आरोपी नाबालिग के दादा पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है और साथ ही यह दावा भी किया कि 15 साल पहले नाबालिग के दादा ने एक गैंगस्टर को उसकी हत्या करने की सुपारी दी थी। पुणे पोशी कार सड़क हादसे में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के वायरल वीडियो पर सफाई दी है। उन्होंने इस वीडियो को फेक बताया है। गुरुवार को ठाणे जिले के डोंबीवली स्थित अमुदान केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसको कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। महाराष्ट्र के कई इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट है। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इन सब के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में तूफानी हवाओं और बारिश ने दस्तक दी है। अहमदनगर में प्रवरा नदी में डूबे 2 बच्चों को खोजने के लिए SDRF के 5 जवान और एक स्थानीय निवासी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नाव लेकर निकले थे। इस बीच उनकी नाव भी पानी के तेज बहाव में बह गई। IPL 2024 में हैदराबाद की टीम राजस्थान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा चुकी है। अब एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स फाइनल की टिकट के लिए चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में भिड़ने वाली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।